तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो की जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो है तो काफी छोटी लेकिन एडिटिंग के टाइम पे काफी दिक्कत देती है। तो इफ यू आर अ प्रीमियर प्रो यूजर, नए या पुराने, डजंट मैटर, आपको पता है कि प्रीमियर प्रो एक काफी तगड़ा टूल है वीडियो एडिटिंग के लिए। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं एडिटिंग के टाइम पे, और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा ऐसी पांच चीजें अलोंग विद देयर सॉल्यूशंस, जिसने मुझे तो बहुत तंग किया और आपको भी शायद फ्यूचर में कर सकती हैं या फिर अभी कर रही होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, जो कि है मास्किंग प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो अगर आप प्रीमियर प्रो के अंदर मास्किंग यूज़ करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभी मास्क शो ही ना हो, मतलब वो बन रहा है लेकिन वो आपको शो नहीं हो रहा, विच मेक्स इट रियली डिफिकल्ट टू मास्क द क्लिप्स। क्या हुआ, समझ नहीं आया, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ मैं प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुका हूँ और मैंने एक क्लिप इंपोर्ट कर लिया है, और फॉर एग्जांपल अब मुझे इस क्लिप में मास्क बनाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पेन टूल पे और यहाँ पे मैं अपना मास्क बनाना शुरू करूँगा, और एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, लेकिन वो मास्क क्रिएट हो रहा है। और मास्क क्रिएट हो रहा है ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि जब भी मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से पेन टूल लाकर क्लिक करता हूँ तो मास्क बन जाता है। तो यू कैन सी कि मास्क बन चुका है और मैं इसको कहीं भी लेकर जा सकता हूँ, इधर उधर, और एडजस्ट भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज कि मुझे इसके बॉर्डर नहीं दिख रहे, और इसके बॉर्डर देखे बिना मैं इसको एडिट नहीं कर सकता ढंग से। तो काफी बड़ी दिक्कत है ये, और इसको सॉल्व करना काफी आसान है। तो इस प्रीव्यू पैनल में आपको कोने में ये तीन लाइंस दिख रही हैं, आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप पैनल ग्रुप सेटिंग पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा स्टैक पैनल ग्रुप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको सारे के सारे बॉर्डर्स दिखने लग जाएंगे, और आप यहाँ पे फिर इजीली एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो एनिमेट कर सकते हो, जो भी आप चाहो। काफी आसान सोल्यूशन था इसका, लेकिन काफी दिक्कत देने वाली चीज है जिसने मुझे काफी तंग किया, लेकिन खैर अब इसका सोल्यूशन पता चल गया आपको भी और मुझे भी। तो अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले दिक्कत की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इशू विद इंपोर्टिंग द फाइल्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशूज जो आप फेस कर सकते हो प्रीमियर प्रो के अंदर, जो कि मैंने बहुत बार किया। और इशू ये है कि जब भी आप किसी वीडियो फाइल को टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग करते हो तो या तो उसकी सिर्फ वीडियो दिखती है या फिर सिर्फ ऑडियो दिखती है, जो कि काफी दिक्कत वाली बात है। और इसको ठीक करने के लिए मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी हैं, जिसमें से एक चीज थी फाइल एक्सटेंशन का नाम चेंज करना, MP4 से MKV, MKV से MOV, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन डोंट वरी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन काफी ईजी है, जो कि प्रीमियर प्रो के अंदर ही हो जाएगा। तो देखते हैं सर। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी इस वाली क्लिप को ड्रैग करना है टाइमलाइन के ऊपर, जो कि एक MP4 फाइल है, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो सिर्फ ऑडियो फाइल शो होती है, जो कि काफी दिक्कत वाली बात है। लेकिन इसको ठीक करना काफी आसान है। आपको यहाँ टाइमलाइन के अंदर एक ये लॉक वाला बटन दिख रहा है, दबा दिया, आगे बोलो, नहीं दबाना था। इसके साथ में आपको एक बटन दिखेगा V1, ये सिलेक्टेड नहीं है, इस वजह से वीडियो आपकी शो नहीं हो रही। अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हो और दोबारा से इंपोर्ट करते हो उसी सेम फाइल को, तो यू कैन सी कि वीडियो फाइल आ गई है और आप इसको एडिट कर सकते हो। और सेम गोज विद ऑडियो, अगर आपकी सिर्फ वीडियो फाइल शो हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ये ऑडियो वाला सिस्टम है ये सिलेक्ट नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट कर दो और जब आप फिर ट्रैक करोगे तो आपकी दोनों फाइल आएंगी। दिस इज द मेथड, काफी आसान, काफी सिंपल, लेकिन काफी दिक्कत देने वाला। वो ये होगा इसका सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है अननेस्ट द फाइल। तो इमेजिन करो कि आप एक प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे हो और एडिट करते करते आपने बहुत सारी क्लिप्स को नेस्ट कर दिया है, क्योंकि शायद वो आपकी टाइमलाइन पे ज़्यादा जगह ले रही थी या फिर व्हाट्सएवर में भी द रीज़न। लेकिन अब आप अपनी एडिटिंग में काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके हो और प्रीव्यू के टाइम पे आपको याद आता है कि जो क्लिप्स आपने नेस्ट करी थी उसमें से एक टेक्स्ट फाइल की स्पेलिंग गलत है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला सोल्यूशन जो आपके दिमाग में आएगा वो शायद यही आएगा कि मैं इसको अंडू कर देता हूँ और फिर दोबारा से एडिट करता हूँ। और ये सोल्यूशन नहीं बल्कि पोल्यूशन है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है और ये काफ़ी बुरा जोक है। पर खैर, इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको अपनी नेस्टेड फाइल पर जाना है और उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही एक नया सीक्वेंस खुल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी क्लिप्स अलग हो चुकी हैं, और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो भी स्पेलिंग है वो चेंज कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली जो आपकी मेन सीक्वेंस होगा उसमें भी वो चेंज हो चुका होगा। तो दिस इज द वे यू कैन अननेस्ट योर फाइल, और फिर उसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको ठीक करना है वो कर सकते हो। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगले टिप की तरफ, जो कि है अलाइनिंग द टेक्स्ट। अब आई नो कि ये सुनने में काफी छोटी चीज लगती है कि टेक्स्ट को अलाइन करने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो में नए हैं तो आपको टेक्स्ट अलाइन वाला टूल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कपड़े चेंज हो गए हैं क्योंकि आज अगला दिन है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि इस टेक्स्ट को आप सेंटर में कैसे अलाइन कर सकते हो, जो कि थोड़ा इधर उधर है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके उसकी पोजीशन चेंज कर दूं नंबर चेंज करके, या फिर मैं टेक्स्ट अलाइन वाले टूल पे क्लिक करूं और ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इन टेक्स्ट अलाइन वाला टूल आपको इफेक्ट कंट्रोल में नहीं दिखता, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्राफिक वाले टैब में, जो कि यहां दिख रहा होगा। और बाय चांस अगर आपको वो यहां पे नहीं दिख रहा तो आप विंडोज में जाओ, वर्कस्पेस में जाओ और ग्राफिक्स वाले ऑप्शन को चूज कर लो। उसके बाद जब आप एडिट वाले बटन को क्लिक करोगे आपको एक लाइन एंड ट्रांसफॉर्म वाला टैब दिखेगा, उसके नीचे दो बटन है, इसमें से एक का मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक का मतलब है वर्टिकली सेंटर। तो अगर मैं दोनों को क्लिक करता हूं तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो जाता है, और मुझे पता है काफी आसान चीज है। लेकिन जब मैंने अपनी एडिटिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे ये वाले टूल नहीं मिले थे, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आपको आसानी रहे मिलने में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है सिलेक्शन ऑफ क्लिप्स।
तो ये वाला पॉइंट या फिर ये वाली चीज़ मेरी फेवरेट है, क्योंकि जब से मुझे ये पता लगी है तब से मेरा वर्क फ्लो काफ़ी तेज़ हो गया और आपका भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे क्लिप्स एडिट कर ली हैं, लेकिन आपको उन क्लिप्स के बीचों बीच कुछ ऐड करना है, कोई एक क्लिप ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली सारी को ड्रैग करोगे और उसको माउस से क्लिक करके या तो राइट या फिर लेफ्ट ले जाओगे। मैं नहीं कहूँगा कि ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन इसका एक आसान तरीका है जो अगर आप कर लोगे तो आपका वर्क फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। और वो तरीका है अपने कीबोर्ड पे ए प्रेस करना। कीबोर्ड पे ए प्रेस करते ही आपको ये दो एरो दिखेंगे, और इससे होगा क्या, जब भी आप फॉर एग्जांपल मुझे इन वाली क्लिप्स के बीच में कोई क्लिप ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सारी की सारी राइट में जो भी क्लिप्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं इनको उठा के ड्रैग कर सकता हूँ राइट में। और अगर आपको लेफ्ट साइड करना है तो शिफ्ट दबा के आप ए दबाओगे तो ये एरो लेफ्ट में हो जाएंगी, उसके बाद आप लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो जो भी आप चाहते। तो ये मेरी फेवरेट चीज है पूरी लिस्ट में से, जिसने मेरा वर्कफ्लो काफी तेज कर दिया और आई होप अब आपका भी कर देगा। यही थी कुछ पांच चीजें, काफी परेशान करने वाली चीजें हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया तो आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आई होप। लेकिन सिर्फ यही दिक्कतें नहीं है जो होती है प्रीमियर प्रो यूज करते हुए। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आप लो एंड पीसी में कैसे अपने प्रीमियर प्रो को यूज कर सकते हो आसानी से, जैसे मैंने भी किया था, तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 3-4 साल उसी लो एंड पीसी में एडिट करा है जिसकी स्पेसिफिकेशन 4GB रैम और पेंटियम कोर प्रोसेसर था, पेंटियम कोर। पर खैर, तो अगर आपको वो देखनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट।